तिष्ठ श्रीजगन्नाथ उत्तिष्ठ करुणानिधि उत्तिष्ठ सर्वलोकेश विभू सुप्रभातम् सुप्रभातम् राधे राधे मैं पहले वही परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं एक गुरु को ढूंढ रहा था बचपन से साठ साल हो गया मैं सितंबर में रिटायर किया हूं बैंकिंग सर्विस में और यहां जैसे मेरा सानिध्य हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में तीन जो हमको जो सद ज्ञान दिए है कहा बात है सतज्ञान सदगुरु भाग्य से मिलते हैं और हमको ये प्राप्त हुआ है पर्टिकुलरली मैं बहुत खुश हूं जब वृंदावन में गया था तो वृंदावन में, में मेरे को बोला गया कि नहीं आप अकेलाए हो आपने आप अपना स्त्री को भी लेकर आओ क्योंकि स्वामी स्त्री नहीं तो यज्ञ अधूरा हो जाता है और मेरे साथ मेरा सधर्मिणी भी है सबसे बड़ा है जो स्पिरिचुअलिज्म जिसके लिए मेरा भी बहुत व्याकुल मैं जो आध्यात्मिक बिना जीवन अधूरा है और अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ पर्टिकुलर जो आज नेचुरपैथी के बारे में लगभग सभी के अज्ञान थे हम अज्ञान का जो जो एक था वो अंधकार को दूर करके आप जो ज्ञान का मार्ग हमको दर्शाए इसीलिए हम सभी आपसे कृतज्ञ हैं और जो खान पान का चीज है ये तो बहुत ही जरूरी है और मैं जब आया था मैं सिर्फ मैं बचपन से ही जोक से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन जब बैंक में सर्विस आया है तब से मेरा थोड़ा गड़बड़ा गया लेकिन अभी जो मैं सिर्फ एक ओमेज सार से बताया था ओमेज ही खाता था चार दिन से ओमेज भी नहीं खाया मैं आई एम वेरी मच हैप्पी आई एम साउंड बोत इन फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली एंड मैं आशा करूंगा मैं आपसे भी आग्रह किया था शिवाजी से बात किया था सर हमारा सेंट्रल बैंक का में जो अधिकारी वर्ग जो रिटायर हो चुके हैं उनके लेके स्पेशल क्लास करने के लिए आपसे आग्रह किया था और मैं बोलूँगा आप वो कर लेंगे तो बहुत ही कृपा होगा और ये जो अट्ठारह बीस आदमी जो आए हैं जो शिक्षक बन के गए हैं इसको फैलाइए जैसे सबसे बड़ा समस्या खाद्य के समस्या देश से दूर हो जाएगा हमारा रहन सहन खान पान मनन चिंतन में धन्यवाद 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 आप सबसे एक खुशी का खबर है मैं एक फिल्म बनाया हूँ तारा करके जो कि ऑर्गन डोनेशन के ऊपर मैं वो मेरा प्रोडक्शन उसमें लिरिक्स मेरा कॉन्सेप्ट मेरा था एंड इट इज नॉमिनेटेड फॉर दादा साहब फालके अवार्ड और ये बनाया और एक मैं जो ढूंढने आया था वृंदावन में वृंदावन आया था एक कृपाल जी महाराज का एक गाना है हम देखें श्यामल गात रे हम देखें श्यामल गात रे ये गाना का मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ और उसमें दोनों बहुत उड़ीसा का बहुत फेमस औंतराधा चक्रवर्ती और अंगराधा पाणीग्राह ने गाया है इसको मैं एक राधा और मीरा का रूप देके के वृंदावन में शूटिंग करने के लिए मैं गया था अगस्त महीना में बारिश हुआ था और उसमें मेरा साथ दिये है मेरा भाई और के बड़ा भाई डॉक्टर सत्यनारायण सावत जो कि आईजी पॉलिस डीजी पुलिस पॉलिस है वर्तमान लखनऊ में वहां से मैं यही यही प्राप्त किया है और उसने मिलने बाद मैं, मैं जी महाराज के सानिध्य है ये तो संजग है जो मैं बोला ना जब तक आपका किस्मत में नहीं सतगुरु सत, सत्संग मिलेगा ही नहीं यह हमें कर्म का फल है भाग्य मतलब कर्म है ये बहुत बड़ा पुण्य फल है और इसके लिए मैं कहूंगा कि मेरा जो YouTube चैनल है कुंदन क्रिएशन काइंडली सब उसको सब्सक्राइब कीजिए और वो पिक्चर जरूर देखेगी मैं थोड़ा सा झलक दिखाया था छोटी सी लड़की सात साल की लड़की जब वो जानता है उसका माँ मर चुकी है कोरोना में फादर के पास था और वो जानता है मैं भी मरने वाला हूँ तब तो वो डिसाइड किया जैसे सत्संग में सुना हूं कि अंगदान से महादान और कुछ नहीं है तो वो उसको पिताजी के पास गया बोला पिताजी जब से डॉक्टर बात कर रहा सुन लिया कि ज्यादा दिन जिएगा नहीं वो लड़की तो वो मन ही मन स्थित किया मैं जो जो शरीर मेरे को भगवान से प्राप्त किया हूं जिस अंग और जो अंतर है जो तंत्र का है उसको मैं जगत कल्याण के लिए डोनेट डान, कर दूंगा सात साल का लड़की का इतना सुंदर क्या है वो जो सात साल का है उसका है नाम है वैष्णवी वैष्णवी नाम है वो वैष्णवी का कृपा से वो पैदा हुई है भगवान का कृपा है तो उसी ने बहुत सुंदर रोल किया मैं सापी को थोड़ा दिखाया भी हूँ झलक भी दिखाई आप लोग देखिए बहुत सुंदर पिक्चर है और कृपाल जी महाराज का शायद मेरे को आशीर्वाद मिला हो मैं यही वृंदावन में शूटिंग करूंगा एक राधा और मीरा का और कृपाल जी का महाराज ये मैं और इस साल में आपको मैं आश्वस्त करता हूँ और मैं वादा भी करता हूँ ये जो नेचुरोपैथी का आप में रिटायर हो गया हूं उसके बाद मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा यही जो है जो नेचुरोपैथी को लोगों के पास फैलाऊंगा सत्य जैसे अन्न ऐसे जैसे अन मन जैसे संस्कार मिलेगा वो ऐसे होगा और एक चीज है आपको यहाँ जो आएंगे ना पाप करने में डरेंगे और ये तो हम बुजुर्ग बाद हुए, लेकिन मैं आपको आग्रह करूंगा जो नौकरी से जाने से पहले जाने से पहले इन लोग ये कर्म कर लेंगे जिंदगी में पाप करने में डरेंगे करेंगे भी नहीं एक सुस्त समृद्ध वातावरण पैदा होगा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद